था, हम लोग इसलिए मनाते हैं 14 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे। महंगाई इतनी हो गई है कि अब हालात नहीं है, एक हमारा टाइम था कि हम बड़ी सेलिब्रेट करते थे 14 अगस्त को, अब तो वो मौका ही नहीं रहा। ये कह रहा है जी मुझे बाजे लेके दो, पटाखे लेके दो, ये लेके दो, वो लेकिन हमारी जेबों में है ही नहीं, बिलों को भरे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। तो है 14 अगस्त हमारा दिन है, मगर ये पाकिस्तान ने इतना कुछ हालात माड़े कर दिए हैं कि हर बंदा रो रहा है। लेकिन जब मुल्क वालों ने हमें सरप्राइज दे दिए बिलों के, महंगाई के, जेबों में है नहीं। बच्चे 14 अगस्त मनाने के लिए खुश होते हैं, वहाँ पर बड़ों के लिए भी गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाते हैं, घरों में लगाते हैं, तो कितनी रश वगैरह नज़र आ रही है सर? आज से गहमा गहमी ज़्यादा शुरू हो गई है। अच्छा, पिछले 3-4 दिन जो हैं वो ज़रा हल्के ही थे। अच्छा, आज जुम्मा हफ्ता इतवार ये लगने के दिन है, इंशाल्लाह ताला हमारा जो हमने कौन ज़्यादा बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं? बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। बड़े आते हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे बच्चे भी आ जाते हैं खरीदने के लिए। ज़्यादा क्या चीज़ सेल हो रही है आपके पास? हर चीज़ बिकती है, झंडे भी बिकते हैं, ये भी बिकती है, सब चीज़ें बिकती हैं। बाजे का ये रेट क्या चल रहा है? बाजे का चल रहा है ये है 120 का है, ये 150 का है, ये 180 का है, वो 200 का, और ये जो बड़ा वाला है ये 300 का। और ये झंडे ये 50-50 रुपए के हैं। ये 50 का जी, 50 का झंडा भी 50 का है। ठीक है, तो ये आपके साथ ही हैं सारे बच्चे वगैरह? ये बच्चे मोहल्ले के हैं, ये आके खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, शुगर लगाते हैं। चीज़ वगैरह लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं, लेते हैं, तोड़ के ले आते हैं, ये चेंज कर दो जी। चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं फिर हम। अच्छा, तो ये किस जगह पे मेन कोई यहाँ पर ही लगाते हैं डेली आप, या कहीं चेंज भी करते हैं? नहीं, यहीं लगाते हैं डेली, हम यहाँ पीछे रहते हैं ना अंदर। कितनी कोई सेल वगैरह हो जाती है कोई चीज़ें? हाँ, 3-4 हज़ार रुपये पहले थी। अच्छा, आज जो है पर डे अब ये है कि आज ये है कि उम्मीद है, लोग ना रात को निकलते हैं ज़्यादा ना, दिन में ज़रा गर्मी होती है, धूप होती है, लोग नहीं आते। मगरिब के बाद ना, मगरिब के बाद से लेके रात 1-2 बजे तक काम चलता है जी। नाज़रीन, बच्चों से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो जश्न आज़ादी 14 अगस्त के लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह वो इन तैयारियों के अंदर मसरूफ़ हैं, क्या क्या वो चीज़ें खरीद रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बात करो आप 14 अगस्त का, पता है 14 अगस्त का क्या हुआ है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान कोई चीज़ ली है 14 अगस्त के लिए? अभी लेने के लिए आया, अभी लेने के लिए आया। क्या लेंगे? चूड़ियाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नू फातिमा। अच्छा, क्या लोगी? पाकिस्तान। झंडा? अच्छा, कितनी क्लास में पढ़ती है? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 में पढ़ती हैं। अच्छा, ये इनके यहाँ पर मेरे ख्याल में वालिद साहब भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त यहाँ पर बच्चे बड़े खुश पर जोश हैं? बच्चों की तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं जी। बिल्कुल है, इन्हीं की शॉपिंग करवा रहे हैं, फ्लैग वगैरह है इनके लिए, चूड़ियाँ और जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों को दिलवा रहे हैं। बच्चे तो ज़िद कर जाते हैं, हालात बहुत तंग, महंगाई इतनी हो गई है कि अब हालात नहीं है, एक हमारा टाइम था कि हम बड़ी सेलिब्रेट करते थे 14 अगस्त को, अब तो वो मौका ही नहीं रहा पहले वाला। लेकिन इजाज़त नहीं देते लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंट डे है। अरे, बच्चों की खुशी में खुश होना, खुशी के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यही बात है। चलें, कुछ पैगाम देना चाहिए? पैगाम ये, इसकी मम्मा नाराज़ होकर गई हुई हैं, इसकी मम्मा अगर टीवी में देख रही हैं तो वापस आ जाएँ। नूर आपको बहुत याद करती हैं, अपनी छोटी बहन को बहुत याद करती हैं, तो आ जाएँ लाजमी। बस इतना कहूँगा, नाराज़गी ख़त्म करके वापस आ जाएँ। 14 अगस्त आ रहा है, बच्चे खुश हैं जहाँ पर, वहाँ पर बड़ों की भी खुशी किसी से कम नहीं है। 14 अगस्त हमारे मुल्क का पहला है, हमें करना चाहिए, मनाना चाहिए मुल्क के लिए। लेकिन जब मुल्क वालों ने हमें सरप्राइज दे दिए हैं बिलों के, महंगाई के, जेबों में है नहीं, तो कहाँ से हम 14 अगस्त मनाएं? इसके बावजूद बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं और ये कह रहा है जी मुझे बाजे लेके दो, पटाखे लेके दो, ये लेके दो, वो लेकिन हमारी जेबों में है ही नहीं, बिलों को भरे हैं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें। अच्छा, ये चक्कर है ना, तो मुश्किल है ना जी, सर्वाइव कितना कर सकता है इंसान? आपको पता है 400 यूनिट अपना 30-40 यूनिट के ऊपर 20-20 हज़ार 12-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं। 14 अगस्त तो आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है, आज़ाद हो गए ना जी, ये बिलों ने आज़ाद किए ना हमें। अच्छा, बिलों की वजह से आज़ाद हो गए, आज़ाद हो रहे हैं ना, जेब में कुछ होगा तो आज़ादी भी अच्छी लगेगी ना, क्या ख्याल है? आज़ाद हम नहीं हुए, आज़ाद सही बांग्लादेश हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश से आज़ाद हुए, हम नहीं हुए, देखो ना कैसे आज़ाद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त? हमें देना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, बिलों के देखना चाहिए, बिल
कितने आ रहे हैं इंसान के, खाने को घरों में नहीं है, दाल आधा क्या क्या पूरा करें बंदा। चलें बहुत शुक्रिया। बस आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 14 अगस्त की आमद आमद है, कुछ समझते हैं कि 14 अगस्त को लोग जिस तरह बच्चे खुश हैं इस तरह आप भी उसी तरह मनाते हैं? हम नहीं खुश कभी भी, पाकिस्तान खुश नहीं कर सकता किसी को। क्या वजह? खुश तो हैं, 14 अगस्त हमारा दिन है, मगर ये पाकिस्तान ने इतना कुछ हालात माड़े कर दिए हैं कि हर बंदा रो रहा है। 14 अगस्त खुशी का दिन नहीं है, रो वाला वो भी रो रहा है, जो गरीब है वो भी रो रहा है, खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। चलें जी, हसन शहीद। ये बाजा कितने का लिए? ये बाजा 10 रुपीज़ का। अच्छा, 14 अगस्त के दिन मैंने बजाते हो बाजा खूब? जी। और क्या करते हो? पटाखे बजाते हैं और आज़ादी बनाते हैं। आज़ादी बनाते हैं। 14 अगस्त क्यों, किस लिए मनाते हो? 14 अगस्त हम लोग इसलिए मनाते हैं, 14 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे। अच्छा जी, आपको पता है किस सन में आज़ाद हुए थे? 14 अगस्त साल कौन सा? 14 अगस्त 1947। माशाल्लाह, आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th क्लास में। 4th क्लास में हैं आप, किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं FG सैयद। अच्छा, FG स्कूल में पढ़ते हैं, चलें ठीक है। क्या नाम है बेटा? मेरा मोहम्मद हुसैन। हुसैन नाम है, कितना प्यारा नाम है आपका। 14 अगस्त के लिए कोई चीज़ें ली हैं? क्या लिए? बाजे। बाजे, बाजे बजाते हो? किस तरह बजाते हो? वू करके। इसको दो ना बाजा बजा के बताइए, किस तरह बजाते हो? स्कूल पढ़ते हो? कितनी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। 14 अगस्त क्यों मनाते हो? क्योंकि हम 14 अगस्त का आज़ाद हुए थे। ओ जियो जियो, बच्चा लायक है इसका मतलब है। हसन। हसन कहाँ से हो? ये रावल ताज कंपनी के पास। अच्छा, कुछ चीज़ें ली हैं 14 अगस्त के हवाले से? जी। क्या लिए? बाजा, मास्क वगैरह। शौक है जी। किस तरह मनाते हो 14 अगस्त? मास्क पहन के छत को झंडिया से सजाते हैं, आटा वगैरह लगा के और बाजे वगैरह बजा के और कहीं घूमने जाते हैं। अच्छा, दोस्त चोस्त होते हैं या घर वाले? दोस्त चोस्त होते हैं, हम दोस्त ही जाते हैं सारे। अच्छा, दोस्त वगैरह घूमने के लिए जाते हो या घर में सेलिब्रेशन करते हो? घूमने के लिए जाते हैं, घर से जा के फिर घूमने चले जाते हैं। अच्छा, घर से होके फिर जाते हैं। और क्या चीज़ें अभी तक इनमें से क्या लिए आप? इनमें से एक बाजा लिए। बाजा लिए, कितने का लिए? 200 का बाजा लिए। झंडे वगैरह नहीं खरीदे जी? झंडे वगैरह, बैज वगैरह नहीं लिए? झंडे और झंडियाँ भी लेनी है। अच्छा, अभी लेनी है जी। यहाँ से ही लोगे या कहीं और? यहीं से लेंगे। चलिए ठीक है।